वर्ल्ड अल्जाइमर डेज पे मैं कुछ आगाही देना चाहूँगा आम पब्लिक को। ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आम लोगों को ये नॉलेज जा रही है कि अल्जाइमर्स है क्या और उसकी नॉलेज क्या है। पहले की नॉलेज तो ये थी कि ये दवाएं हैं, यहाँ से ये ठीक हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता था, लेकिन ये बात यहाँ तक मुमकिन नहीं, यहाँ तक नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होती है। मैं ये बात करूँ कि याददाश्त इस उम्र में होना, कमज़ोर होना एक फितरी अमल है, पर डिमेंशिया एक अलग चीज़ है जिसमें अल्जाइमर्स बहुत कामन होता है। ये याददाश्त की कमज़ोरी से शुरू ज़रूर होता है, लेकिन ये दिमाग के मुख्तलिफ दूसरे हिस्सों पर भी असरअंदाज होता है, और इसकी वजह से ना सिर्फ याददाश्त कमज़ोर होती है पर इंसान का जो मिजाज है और शख्सियत है वो भी तब्दील होने लगती है, जिस वजह से जो है फैमिली पर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अजीबोगरीब जो है रवैये होने लगते हैं, जिसमें नींद की ख़राबी होती है, डिप्रेशन और एनजाइटी बहुत ही कामन होता है। इसमें वक्त के साथ याददाश्त जैसे ढलती जाती है तो शिद्दत बढ़ती जाती है, तो ये भी देखा गया है कि उनमें ऐसी अलामतें आती हैं जिसमें वो शक में मुब्तला हो जाते हैं, और ये एक और दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ पर फैमिलीज़ और पेशेंट खुद परेशान हो जाता है। अगर मैं दवाओं की बात करूँ तो दवाएँ साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि नई नई दवाएँ आ गई हैं, लेकिन ये दवाएँ सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी की शिद्दत और उसकी जो है स्पीड को कम करती हैं। लेकिन दवाओं के अलावा भी जो केयर है मरीज़ की वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें हमें उनको उनका ख्याल करना चाहिए, जिनकी जैसे उनकी नींद पूरी होनी चाहिए, एक्सरसाइज उनके होनी चाहिए, इन्फेक्शन से कंट्रोल होना चाहिए उनका, और उनको टाइम देना चाहिए। जैसे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि रूम में बड़ा सा क्लॉक लगा दें, आप कैलेंडर लगाते हैं, घूमते फिरते आप उनसे दिन तारीख महीना पूछें और अपनी ही उम्र के लोगों के साथ वो बैठे हैं, थोड़ा बहुत बिज़ी रहें कि देखें जिस तरीके से चीज़ें हम सीखते हैं समझते हैं उस स्पीड से इस उम्र में नहीं सीखी जा सकती। इसी वजह से उनके पास जो याददाश्त होती है वो माजी की होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है और नई चीज़ें सीखने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें धीमे लहजे में बात करनी चाहिए कि जैसे वो उस चीज़ को समझ सकें और उस पर रिप्लाई कर सकें। मैं फैमिलीज़ को यही कहूँगा कि जो भी अल्जाइमर्स के पेशेंट हैं तो वो उनके लिए नेमत हैं कि उनका ख्याल करें, ना कि सिर्फ दवाएं, उससे उस चीज़ का क्योंकि बर्डन कम हो सकता है, उनका अपना बर्डन कम हो सकता है और क्वालिटी लाइफ भी बढ़ सकती है।